जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि एमबीए करें या पीजीडीएम, आज के समय में कौन सा कोर्स करना हमारे लिए सही रहेगा जिससे हमें जल्द से जल्द जॉब मिल सके, अच्छा खासा हमारा सैलरी पैकेज हो, अच्छा खासा हमारा करियर सेट हो सके। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि आपके लिए एमबीए बेस्ट है या फिर पीजीडीएम। यदि आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एमबीए करना चाहिए या फिर पीजीडीएम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि एमबीए करना चाहिए या फिर पीजीडीएम, दोनों में से कौन सा कोर्स बेस्ट है। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कोर्सेज के बारे में। तो बात करते हैं पीजीडीएम के बारे में। तो साथियों, पीजीडीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, यानी कि ये क्या है, आपका एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जो कि पीजी में कराया जाता है। प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स हम इसको बोल सकते हैं। यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है ग्रेजुएशन का, तो आप पीजीडीएम कर सकते हैं। अब पीजीडीएम करने के लिए यदि परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज कितनी चाहिए होगी ग्रेजुएशन में, तो आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी, तो वहां पर आपको 5% की छूट मिल जाती है, यानी कि 45% पर आपका एडमिशन हो जाता है। अब साथियों, बात करेंगे पीजीडीएम कहां से हम कर सकते हैं। तो साथियों, पीजीडीएम आप कॉलेज से भी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। पीजीडीएम के लिए जो कॉलेज के पास अप्रूवल होना चाहिए, वो होना चाहिए एआईसीटी का अप्रूवल, यानी कि एआईसीटी का अप्रूवल होगा कॉलेज के पास में, कॉलेज का यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पीजीडीएम जो होता है एक ऑटोनोमस बॉडी के थ्रू होता है। जब आपको पीजीडीएम यानी कि डिप्लोमा मिलेगा तो वहां पर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होगा, वहां पर किसका नाम होगा, जिस कॉलेज से आपने किया है उस कॉलेज का सिर्फ नाम होगा। तो यानी कि क्या है, डिप्लोमा कोर्स है जो कि ऑटोनोमस बॉडी के थ्रू कराया जाता है। अब बात करते हैं पहले कुछ एमबीए के बेसिक के बारे में। तो साथियों, एमबीए क्या है, आपका एक मास्टर डिग्री कोर्स है जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ये आपका रेगुलर और आपका डिस्टेंस यानी कि ऑनलाइन दोनों ही मोड में कराया जाता है, लेकिन आपका जो पीजीडीएम है उसको आप सिर्फ रेगुलर कर सकते हैं, डिस्टेंस में नहीं कर सकते। अब ये जो आपका होता है एमबीए, ये आपका होता है कहां से, यूनिवर्सिटी से, यानी कि आप या तो यूनिवर्सिटी से करेंगे या फिर कॉलेज से करेंगे। तो अब कॉलेज से आप करेंगे तो कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जरूर होगा। तो यानी कि जब आपको एमबीए की मार्कशीट मिलती है तो एमबीए में क्या होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम होता है, लेकिन पीजीडीएम में ऐसा नहीं होता है। अब बात करें साथियों कि एमबीए बेस्ट है या फिर पीजीडीएम, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक सबसे जो मेजर डिफरेंस है उसकी हम बात करते हैं साथियों। जो एमबीए है, एमबीए आपका एक डिग्री कोर्स है, क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री कोर्स है, लेकिन आपका जो पीजीडीएम है वो क्या है, आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। जब आप पीजीडीएम कर लेते हैं तो भी आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते हैं, यानी कि यदि कोई आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की वैकेंसी आती है तो वहां पर आप उनको फिल नहीं कर पाएंगे, वहां पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आप नहीं होंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, डिप्लोमा किया है पोस्ट ग्रेजुएशन में, ना कि डिग्री कोर्स किया है। तो आपका ये क्या है, डिसएडवांटेज है पीजीडीएम का। दूसरा जो डिसएडवांटेज है साथियों पीजीडीएम का, वो ये है कि पीजीडीएम आप सिर्फ रेगुलर में कर सकते हैं, आप इसको डिस्टेंस से या फिर ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते हैं। अब बात करें साथियों कि एमबीए और पीजीडीएम में दोनों में कौन सा कोर्स बेस्ट है, फिर हमें पीजीडीएम क्यों करना है, एमबीए कर सकते हैं। तो साथियों, पीजीडीएम यदि आपको करना है तो पीजीडीएम किसी एक अच्छे कॉलेज से आप कीजिएगा। पीजीडीएम करने के फायदे ये हैं, यदि आप पीजीडीएम करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, ये क्या है, ऑटोनोमस बॉडी के थ्रू होता है। इसमें आपका जो कोर्स कंसेंट डिसाइड होता है वो आपका कॉलेज कर सकता है। कोर्स कंटेंट इसमें क्या होता है, लेटेस्ट मॉड्यूल पे काम कराया जाता है, लेटेस्ट चीजें जो मार्केट में चल रही है, इंडस्ट्री में जो चल रही है, जिस पर आज की में जॉब है, तो वो सब सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं। यानी कि यदि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको अच्छी कंपनी में जाना है और आपको अपने ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो आप अच्छे कॉलेज से क्या कर सकते हैं, पीजीडीएम कर सकते हैं। अब यदि आपको थोड़ा सा ये है कि भी हम पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाएं और हम जो है अपना साथ के साथ आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आपको ये डाउट है कि कहीं ना कहीं यदि हमारे पास जॉब नहीं मिलती है तो हमारे पास कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो रहे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, आप एमबीए कर सकते हैं। अब यहां पर एक डिफरेंस और है कि एमबीए के लिए हर साल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन पीजीडीएम के लिए जो आपके कुछ कॉलेजों में मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है, कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, लेकिन एमबीए के लिए बहुत सारे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे आपका कैट का हो गया, मैट का हो गया, तो बहुत सारे ऐसे आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिनको आप देने के बाद में अच्छे खासे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एमबीए करना चाहिए या फिर पीजीडीएम। तो पीजीडीएम वही बच्चे करें सिर्फ और सिर्फ, और एक चीज उसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे कॉलेज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। यदि आपका कोर्स कंप्लीट होने के साथ साथ आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है कॉलेज से, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपको जॉब मिलना पीजीडीएम में। एमबीए केस में ऐसा नहीं है, एमबीए में आपको बाद में भी जॉब मिल सकती है, बाद में भी आप ट्राई कर सकते हैं, पीजीडीएम में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो पीजीडीएम में अच्छे कॉलेज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। यदि आप पीजीडीएम करने जाएं तो कॉलेज का जरूर ध्यान रखें कि आप किस कॉलेज से आप पीजीडीएम कर रहे हैं, वहां का प्लेसमेंट कैसा है, वहां का एकेडमिक कैसा है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।